आप जब कई हजारों साल पुराना इतिहास देखेंगे तो आपको कई हैरान कर देने वाली चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ के प्राचीन मंदिरों, किलों व गुफाओं ने हमेशा से ही लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। यही कारण है कि दुनिया भर के सैलानी भारत के कुछ अद्भुत स्थलों को देखने के लिए और इनकी सच्चाई का पता लगाने के लिए यहाँ आते रहते हैं। तो चलिए हम आपको भारत के कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। असम का जतिंगा गांव, जो अपनी अनसुलझी रहस्यमयी घटनाओं के लिए मशहूर है, असल में यहां दिसंबर और नवंबर के महीने में हजारों पक्षी पेड़ों और इमारतों से टकराकर आत्महत्या कर लेते हैं। ये स्थिति हर साल देखी जाती है, लेकिन सटीक वजह आज तक पता नहीं चल सकी है। राजस्थान का जयगढ़ किला भी अपने छिपे खजाने के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब अकबर के रक्षा मंत्री मानसिंह एक सफल मिशन के बाद अफगानिस्तान से लौट रहे थे तो उन्होंने युद्ध से लूटी हुई चीजों को किले में छिपा दिया था। भारत में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा किले को अच्छे से खोजने का आदेश दिया गया था, लेकिन अभियान के बाद यहाँ कुछ नहीं मिला। यहाँ खजाना है या फिर नहीं, ये रहस्य आज भी बरकरार है। 18 दिसंबर 2012 में भारत का जोधपुर शहर उस समय चर्चा में आ गया जब वहाँ एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। लेकिन दिलचस्प और चौंकाने वाली तो ये थी कि वहाँ न कोई बम फटा था और न ही कोई प्लेन क्रैश हुआ था। आज तक आवाज का रहस्य क्या है, इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया है। कुंगा दर्रा, लद्दाख में इस जगह को एलियंस का स्पॉट कहते हैं। इस जगह को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ यूएफओ को उड़ते देखा गया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। बिहार की सोन भंडार गुफा के बारे में ऐसा कहते हैं, इस गुफा को एक बड़ी सी चट्टान को काट कर बनाया गया है। दूसरी ओर माना जाता है कि यहाँ पर खजाना छिपाने के लिए इसी गुफा की मदद ली थी। यहाँ एक सांख्यलिपि में लिखा एक शिलालेख भी मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ने भी इन शिलालेखों को पढ़ लिया तो खजाने का द्वार खुल जाएगा। अंग्रेजों ने खजाने को पाने के लिए तोप की भी मदद ली थी, लेकिन वो इसमें असफल रहे। तो ये थे भारत के कुछ अनसुलझे रहस्य। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखकर अपनी राय भी बताएं। धन्यवाद।